अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेड नाउ टीवी में आपका इस्तकबाल है। शादी शादी जहां इस दौर में लोगों ने समाज में बड़ी मुश्किल और परेशानी और सबसे बड़े चैलेंज का नाम दे रखा है, तो वहीं शहर हैदराबाद के इलाके मुगलपुरा में मौजूद सैयद गौस खामोशी ट्रस्ट की जानिब से हर इतवार को होने वाला इस प्रोग्राम जिसका नाम है रूबरू, इसमें इन्होंने ये साबित कर दिखाया है कि अपने बेटी या बेटे की शादी करना बहुत ही आसान है। रूबरू जो कि अब तक उन्होंने तकरीबन 2500 से ज़्यादा प्रोग्राम्स कर चुके हैं, लड़का लड़की के लिए बाहर निकलते हैं, ढूंढने की बहुत ही कोशिशें करते हैं, जहां लोग बहुत परेशान होते हैं, तो वहीं रूबरू ने एक ऐसा मुकाम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म रिश्ते देखने वालों के लिए बनाया है कि आप सिर्फ वहां पर अपनी 400 रुपये की फ़ीस में हज़ारों के रिश्ते आपको देखने मिल जाते हैं, और वो भी एक छत के नीचे। जी हाँ, यहाँ आपको रिश्ते बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। जहाँ लोग हर इतवार या कोई वीकेंड को घूमने के लिए जाते हैं, तो वहीं दूसरी जानिब कुछ लोग इसी इतवार को आज़म फंक्शन हॉल मुगलपुरा पहुँच जाते हैं रिश्ते ढूंढने के लिए। जहाँ रूबरू में बड़ी आसानी से लोगों को समझाया जाता है, बताया जाता है, और यहाँ पर आपको पहली शादी और दूसरी शादी के भी तमाम रिश्ते दस्तियाब रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह सैयद गौस खामोशी ट्रस्ट की जानिब से टीम रूबरू शहर हैदराबाद में एक अनोखा प्रोग्राम रिश्तों का रूबरू प्रोग्राम का आगाज़ 2016 में किए थे। आज कामयाबी के साथ में अल्हम्दुलिल्लाह एक छत के नीचे हज़ारों रिश्ते मौजूद हैं, और अभी तक तकरीबन 5800 से ज़्यादा रिश्ते तय हो चुके हैं। और ये प्रोग्राम मंगलूर में भी चल रहा है और कन्नूर निज़ामबाद में भी इसको आगाज़ करे थे, लेकिन पैंडमिक के बाद वहाँ बंद हो गया है। और इस वक्त शहर हैदराबाद में आज़म फंक्शन हॉल मुगलपुरे में हर इतवार को सुबह 10 बजे से 4 बजे तक होता है। इसकी और एक शाख रूबरू 2 विजयनगर कॉलोनी में जिमरीज ABC हॉल में आज बाज़ाब्ता आगाज़ हुआ है। मोहतरमा आयशा रुबीना साबिका कॉरपोरेटर ने इफ्तिताह अंजाम दिया है। मैं उन तमाम लोगों से जिन तक हमारी आवाज़ पहुँच रही हो, आप अपने बच्चों के रिश्तों के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाइए आज़म फंक्शन हॉल मुगलपुरा और जिमरीज ABC हॉल विजयनगर कॉलोनी, जहाँ पर आपको एक ही छत के नीचे बेशुमार रिश्ते मिलेंगे। और सिर्फ 400 रुपये के फीस रजिस्ट्रेशन में आपको 3 महीने का कार्ड बनाकर दिया जाएगा। बाद रिश्ता तय होने के आपको 10 रुपये भी देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप दुआ दीजिए चले जाइए, और ये प्रोग्राम को आप बढ़ावा दीजिए ताकि सभी लोगों को इसका फ़ायदा हो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। लोग काफ़ी इससे खुश हैं, इनकी सहूलतों से, इनकी जो सर्विस है। कई लोग दूर दूर से भी आते हैं, शहर हैदराबाद के रहने वालों के अलावा आसपास के शहर से भी लोग यहां आकर इस प्रोग्राम का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हम ना तो लोगों का सुन के पहली बार आए यहां, तो अच्छा लगा। सो बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत लोग आ के मालूम दूसरों से मालूम हुआ बहुत लोग आ रहे हैं, ठीक तो लगा। आप लोग भी आ सकते हैं, जो भी परेशान है आके अपने लड़का हो लड़की हो आके देख ले सकते हैं। इधर उधर मुशातों करने फिरने से तो एक बार आके इधर कोशिश करी तो इंशाल्लाह ज़रूर लग जाएंगे आप लोगों को भी। सो करने वाले अल्लाह है, कोशिश तो अपने माँ बाप के हाथ में कोशिश करना है, कोशिश कर लिया तो अच्छा रहता। बस अल्लाह से दुआ करिए, आइए रूबरू बात कर ले सकते हैं। यहाँ पे रूबरू के प्रोग्राम में शिरकत करके यहाँ पे जो भी सहूलत दी जा रही है वो आम उन्नास के लिए बेहतर है। बच्चियों और बच्चों के रिश्तों के लिए जो भी लोग परेशान हैं उनके मसाइल का यहाँ पे हर इतवार को हल करने के लिए प्रोग्राम रखा गया, जो कि आवाम उन्नास के लिए बेहतरीन जरिया है। जी, ऑफिसों में वहाँ जाने से तो ये बहुत बेहतर है लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए जो ये बनाए ना बहुत अच्छा से। माशाल्लाह बहुत अच्छा है यहाँ का इंतज़ाम, और जो भी रिश्ते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। अब अल्लाह की मर्ज़ी, जिसके नसीब में जो है वो मिल जाता। हम भी इससे मुतमईन हैं, आ रहे हैं, देख रहे हैं। अल्लाह ताला जहाँ पे हमारे नसीब में है बच्चा और बच्ची का, दोनों का रिश्ता यहाँ पे हम रखे हैं इंशाल्लाह। हम ओल्ड मलकपेट वाहिद नगर से आए हैं, और इंशाल्लाह कोई ना कोई रिश्ता हो जाएगा, हमसे उम्मीद है। और दूसरी तरफ कहीं भी हम कोशिश नहीं कर रहे हैं सिवाय यहाँ के। इसी तरक्की और उरूज को देखते हुए रूबरू के कई शाखें हैं जो शहर हैदराबाद के अलावा भी मौजूद है।
अब आइए रूबरू की इसी तरक्की और खिदमत को देखते हुए लोगों ने काफ़ी सराहा है, तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए रूबरू ने अपनी खिदमत को शहर हैदराबाद के इलाके विजयनगर कल्लू में भी पहुंचा रहे हैं। जी हां, रूबरू टू जिसका इफ्तिताह एक्स कॉरपोरेटर आयशा रुबीना ने जिमरीज एबीसी फंक्शन हॉल में किया है, और साथ ही रूबरू की टीम और जिमरीज की टीम को इस बात के लिए मुबारकबाद भी पेश की है। और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रूबरू टू जो यहां पर अपनी खिदमत को अंजाम देते आ रहा है, पिछले कई सालों से जो शहर हैदराबाद के इलाके मुगलपुरा में अपनी जो खिदमत देते आ रहा है, उससे भी कई ज़्यादा अच्छी खिदमत यहां पर देंगे। आइए देखते हैं इसी मामले में मीडिया से बात करते हुए रूबरू की टीम और जिमरीज फंक्शन हॉल की टीम ने इन तमाम तफसीलात से वाकिफ करवाया है, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आयशा रुबीना यहाँ पे आज एक बहुत बेहतरीन प्रोग्राम का आगाज़ हुआ है जो जिमरिव्स ग्रुप और रूबरू साथ मिलके कर रहे हैं। मैं समझती हूँ ये बहुत बहुत अहम काम है हमारे माशरे के लिए। ये रिश्ते यहाँ पे लगाए जाते हैं और इसके लिए फ्री में ये लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि ये सोसाइटी के ऐसे प्रॉब्लम्स को दूर करता है जो हमारे माशरे में आजकल दिख रहे हैं, जहाँ पे डाउरी है और रिश्ते लगाने के पैसे लिए जाते हैं। तो काफ़ी गरीब जो वालिदैन होते हैं वो बहुत परेशान होते हैं अपने बच्चों के रिश्तों के लिए, तो ये एक बहुत बेहतरीन काम यहाँ पे हो रहा है। ये जिमरिज हॉल विजयनगर कॉलोनी में ये लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो मैं दुआ करती हूँ कि ये काम इनका कामयाब हो। और जो जो भी इससे जुड़े हैं, साजिद साहब हैं, फारूक साहब हैं और भी लोग हैं, सभी लोगों को मैं मुबारकबाद देती हूं इस काम के लिए। और यहां पे एक बहुत अच्छी बात ये है कि ये हॉल जो आप देख रहे हैं, ये बेहतरीन हॉल में एक बहुत अच्छा प्रोग्राम ये है कि जो भी गरीब लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते फंक्शन हॉल्स, उनको बहुत बेसिक मिनिमम चार्ज पे जो है यहाँ पे हर चीज़ ऑर्गेनाइज करके दी जाएगी। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे और जल्द ही जो है आपके पास, यहाँ के लोगों के पास फुल रहेगा, डेट्स नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर मुजफ्फर अली साजिद, मैं जिमरिस जो एबीसी हॉल है जिमरिस ग्रुप की तरफ से, ये मैं यहाँ का एक चेयरमैन हूँ, डायरेक्टर हूँ। और आज जो प्रोग्राम यहाँ पे मुनक्कद हुआ है वो रूबरू के साथ में हमने एक कोलाब्रेशन लिया है, जो फारूक साहब है आज़म फंक्शन हॉल के, उनके साथ में हमने एक कोलाब्रेशन किया है। और यहाँ पर उनके पास जितने सारे रिश्ते होंगे वो रिश्ते, और यहाँ पे जो नए रिश्ते आएंगे वो रिश्ते सब मिलाकर हम लोगों के सामने रखेंगे, और बहुत जल्द इंशाल्लाह बहुत कुछ रिश्ते यहाँ पे होना शुरू हो जाएंगे। फारूक साहब के पास पिछले 6 साल में 5 से 5,500 रिश्ते हुए हैं, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमारे पास भी बहुत सारे रिश्ते होंगे और इसको हम कंटिन्यू करेंगे। और मैं फारूक साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ पर एक अनोखी बात जो हमारे पास हुई है वह है
कि हम लोग यहाँ पे एक इस फंक्शन हॉल में, इस ऑडिटोरियम बैंकेट हॉल में यहाँ पे बहुत सारे अदबी प्रोग्राम्स भी होते हैं, जैसे ये ज़िमरिस ग्रुप के नीचे ज़िमरिस अदबी फोरम है जिसमें मुशायरे और प्रोग्राम्स होते हैं, उर्दू प्रोग्राम्स होते हैं, जिसके लिए हम बहुत ही कम से कम में वो चार्ज करते हैं और वो प्रोग्राम यहाँ पे मुनक्कद होते हैं। और साथ में हम यहाँ पे मैट्रिमोनी सर्विस स्टार्ट किया है, ज़िमरिस एजुकेशनल एकेडमी, जो आने वाले दिनों में हम नीट और आईएएस के लिए कोचिंग दे रहे हैं, जिसमें हमारे साथ असगर साहब हैं जो रिटायर्ड हेडमास्टर हैं, और नसरुल्ला साहब हैं हमारे मीडिया इंचार्ज हैं, डॉक्टर फरदीन साहब हैं जो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, इनकी सरपरस्ती में, अजमतुल्ला व्यायाम साहब की सरपरस्ती में ये काम हो रहा है। ये और एक ख़ास बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ज़िमरिस में जो हम लोग कर रहे हैं 20,000 रुपये में यहाँ पे किसी भी गरीब लड़की या अमीर लड़का लड़की उनके लिए हमने एक पैकेज बनाया है, 20,000 रुपये में एक बिरयानी और एक मीठा हम यहाँ पे दे रहे हैं और हॉल फ्री में दे रहे हैं, जो 80 से 100 लोगों के लिए हम खाना यहाँ पे देते हैं। और अगर कोई अगर करना चाहते हैं ऐसा 20,000 में, तो वो बाखुशी आ सकते हैं, कभी भी अपना वक्त दे सकते हैं और कभी भी कोई भी फंक्शन यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। और मैं वो जो लड़की है समीरा को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट को जो गुंटूर की हैं, जिनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि वो इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई थी। और आयशा रुबीना मैडम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो आज के प्रोग्राम की चीफ गेस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह, टीम रूबरू की जानिब से जो प्रोग्राम 2016 में आगाज़ हुआ था आज़म फंक्शन हॉल मुगलपुरे में, रिश्तों का एक अनोखा प्रोग्राम जिसके आगाज़ 2016 से होते हुए मनाजिल तय करते करते आज 2021 में हम पहुँचे हैं। शहर और शहर के बाहर दीगर मुकामात पे ये प्रोग्राम वसत देने के बाद में टीम ज़िमरिस की जानिब से विजयनगर कॉलोनी में आज ये प्रोग्राम का आगाज़ मोहतरमा आयशा रुबीना एजुकेशनिस्ट के हाथों इफ्तिताह अमल में आया है। और मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम ज़िमरिस एबीसी हॉल की टीम की जानिब से उनकी निगरानी में बहुत तरक्की करते हुए अपनी मंजिलों को आगे फलांगता आगे बढ़ेगा। और ये हॉल में चूँकि हरकियाती शख्सियात ये टीम में जुड़े हुए हैं, ये प्रोग्राम इंशाल्लाह आवाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और यहाँ की अनोखी स्कीम ऐसी है कि ये अनोखा प्रोग्राम है और स्कीम भी ज़िमरिस की अनोखी है कि आप अपनी बेटी का या बेटे का रिश्ता यहाँ पर रजिस्टर कराइए, 20,000 रुपये में रिश्ता भी तय हो जाएगा, 100 आदमी का खाना भी मिल जाएगा, हॉल भी मिल जाएगा। ये स्कीम दुनिया में कहीं पर भी नहीं है, दुनिया के किसी मुकाम पर भी नहीं है। और ये लोग ज़िमरिस वाले अगर आखिर कैसा चलाते हैं, मैं समझता हूँ लोग आगे इनसे जो है इंस्पायर होकर इस किस्म का काम शुरू करेंगे। मैं उन तमाम लोगों से जिन तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो, मैं अदबन दरख्वास्त करूँगा कि रूबरू प्रोग्राम आज़म फंक्शन हॉल मुगलपुरा और ज़िमरिस हॉल विजयनगर कॉलोनी में हर संडे मुनक़िद हो रहा है। आप तमाम लोग ये दोनों जगह पर आइए, एक ही कार्ड एक ही रजिस्ट्रेशन में दोनों जगह पर आप शिरकत कर सकते हैं और ये 20,000 की स्कीम से फ़ायदा उठाइए। फिर ना कहना हमें खबर ना हुई, क्योंकि हैदराबाद बंजर नहीं है, बहुत ज़रखेज़ ज़मीन है, यहाँ पर ऐसे किस्म के लोग हैं जो आवाम की खिदमत करना अपना सेवा समझते हैं। सवाब की नीयत से इस प्रोग्राम को शेयर करिए, आगे बढ़िए और इसका हिस्सा बनिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम सैयदा शमीरा यास्मीन है। आई कम्प्लीटेड माई बी टेक इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम विज्ञानस यूनिवर्सिटी इन गुंटूर। एक्चुअली सिविल इंजीनियरिंग जो है, सब लोग कहते हैं कि लड़कों सिविल इंजीनियरिंग लेते हैं और लड़कियां बहुत कम लेती हैं, लेकिन आई एम प्राउड, माई फादर सपोर्टेड मी ए लॉट। उन्होंने इनिशिएटिव ही उनका ही था, सिविल इंजीनियरिंग तू कर सकती है और तू आगे बढ़ सकती है, इसके लिए गवर्नमेंट में बहुत चांसेस है। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग सर्विसेज लिखना मेरा एम है, अल्टीमेट एम इज़ टू क्रैक द सिविल सर्विसेज। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माई पेरेंट्स एंड माई कॉलेज टीचर्स एंड माई फ्रेंड्स ऑल्सो। और आयशा रुबीना मैडम के लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, उन्होंने आज मुझे फेलिसिटेट किया है। और मेरे बड़े अब्बा को भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और उनके पूरी फैमिली को भी, उन्होंने जो मुझे ये मौका दिया है, ये इज्जत दी है। शुक्रिया अदा, शुक्रिया बड़े अब्बा। ये रूबरू ट्रस्ट के लिए भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने जो लोग इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है शुरुआत से, और
जो डिग्निटरीज आज हाजिर हुए हैं इस प्रोग्राम में, उनसे लेकर जो लोग हेल्प किए हैं वॉलंटियर्स तक, सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू। मैं पहले ही बोला कि साले को नको लेकर चलो बोल के, इसकी लेट लतीफी की तरफ से दावत में खाना ही खत्म हो गया। काले रगे को खजान, इकराम रेस्टोरेंट जाएंगे, पूरी दावत के मजे लूट सकते अपन। पैसे कौन तुम्हारे बाबा देते? बाबा पे नको जाओ। वैसे मैं भी सुनी जी माँ का खाना बहुत मजे का रहता कहते, चलो ना चल के खा लेंगे। वो सब ठीक है, बिल कौन देते? सलामी के पैसे है ना। तो तुम सलामी नहीं दिए? खाना नहीं तो सलामी नहीं। तो फिर चलो इकराम रेस्टोरेंट दावत के मजे लेने। क्या सोच रहे जी, चलो बैठे क्या, चलो। इकराम रेस्टोरेंट, जहाँ चिकन मटन बिरयानी, अरबियन मंदी, तंदूरी कबाब, चाइनीज और कॉन्टिनेंटल डिशेस दस्तियाब हैं। साफ सुथरे माहौल में, खूबसूरत डाइनिंग हॉल में अपने फैमिली के साथ तशरीफ लाइए। प्रोप्राइटर मोहम्मद नासिर अली, मोहम्मद नियाज अली हैं। पता याद है ना, इकराम रेस्टोरेंट, रूबरू जू पार्क, बहादुरपुरा, हैदराबाद।